और वहीं खेतों में प्रयोग होने वाले पेस्टिसाइड के कारण कैंसर, शुगर और हार्ट अटैक जैसी दर्जनों बीमारियां फैल रही हैं, और ऐसे में लगातार इन बीमारियों का प्रकोप भी फैल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार किसानों को जागरूक करने के साथ साथ जहर मुक्त खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। वहीं सोनीपत जिले में ऑर्गेनिक और जहर मुक्त खेती करने वाले 82 किसानों को चिन्हित किया गया, जिसमें सभी 82 किसानों की लिस्ट मुख्यालय में भेजकर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जहर मुक्त खेती के लिए हरियाणा सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं, क्योंकि लगातार यूरिया एवं कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आदेश प्राप्त हुआ है कि वो चयनित करें कि कौन किसान जैविक खेती या जहर मुक्त खेती करने वाले हैं। सोनीपत में अभी हमने 82 किसानों को चयनित किया है, जो मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी एवं उसके बाद सरकार की जो अगले दिशा निर्देश होंगे उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।